नमस्कार, सिरे पोस्ट में आपका स्वागत है। मिस नेहा भारती आपके साथ, आरजेडी की महिला शेरनी और प्रवक्ता रितु जायसवाल उपचुनाव को लेकर के काफी एक्टिव हो गई है। रितु जायसवाल आज कुशेश्वर स्थान में नजर आई। जी हाँ, कुशेश्वर स्थान रितु जायसवाल पहुंच गई हैं आरजेडी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने। जी हाँ, आपको बताते चले कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने गणेश भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। गणेश भारती के समर्थन में रितु जायसवाल कुशेश्वर स्थान में प्रचार प्रसार करती दिखी और जनता से वोट की अपील करती दिखी। दरअसल आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव 2 दिन से तारापुर में ही डेरा जमाए हुए हैं। तारापुर के विभिन्न प्रखंडों में रोड शो कर रहे, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, घूम घूम कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बीच कुशेश्वर स्थान में रितु जायसवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। वहां रितु जायसवाल आरजेडी के फेवर में वोट करने के लिए जनता से अपील कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बताते चले कि रितु जायसवाल ने अपने फेसबुक हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की है और कैप्शन में लिखा है, रितु जायसवाल ने लिखा है, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री गणेश भारती जी के समर्थन में जनता के बीच कई गांवों में जाना हुआ। एक बेहद ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले गणेश जी को सभी वर्ग का प्रेम और सम्मान मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रितु जायसवाल एनडीए पर हमला करती नजर आई, एनडीए के नेताओं पर हमलावर नजर आए। अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए आगे लिखती है एनडीए के नेताओं पर हमला बोलते हुए, बिहार सरकार के तमाम मंत्रीगण जो यूं तो पटना में अपने बंगले के बाहर मिलने आए बेरोजगारों पर लाठियां बरसवाते हैं, पर आज कुशेश्वर स्थान में देखिए 10-10 गाड़ियों के साथ रात के 12 बजे तक भी ये जनता के बीच गिड़गिड़ाते हुए दिख जाएंगे। जी हाँ, तो एनडीए पर हमलावर नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश भारती जी के समर्थन में, जी हाँ, जो आरजेडी के प्रत्याशी है गणेश भारती, उनके समर्थन में लोगों से, जनता से वोट की अपील करती नजर आई रितु जायसवाल। और इन सभी तस्वीरों को रितु जायसवाल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से शेयर किया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।